नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में आई हुई वो कैप के बारे में। आज दोस्तों 3 जून 2019 है और आज के इस वीडियो में हम 3 जून 2019 के द हिंदू एडिटोरियल सेक्शन में आई हुई वो कैप के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़े दिनों के बाद लेके आ रहा हूँ। अब से ये वीडियो डेली वो कैबरी की वीडियो मैं कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। तो चलिए अब हम कल की वो कैबरी, कल तो नहीं कह सकता लेकिन लास्ट टाइम पर जो हमने वो कैब डिस्कस करी थी उसके बारे में फटाफट रिवीजन कर लेते हैं उसका। तो जो लास्ट टाइम वो कैब डिस्कस की थी वो है, आज जो भी सरकार बनेगी उसे हमें यूनानिमस एक्सेप्ट करना चाहिए। यूनानिमस मतलब एकमत होकर एक्सेप्ट करना चाहिए। यह हमारे सरकार की ओनर्स है, यह हमारे सरकार की ड्यूटी है, दायित्व है या जिम्मेदारी है कि देश के की जिम्मेदारी है कि देश की कोमल बच्चों को उनकी एजुकेशन मिलनी चाहिए। यह उनका एंटाइटल है, यह उनका हक है। तो ये थी हमारी पहले की वो कैबरी। अब हम आज की वो कैबरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज 3 जून 2019 है और आज की जो वो कैब आई है हमारे सामने वो वन बाय वन हम करके डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जिसको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है डीपन। डीपन का मतलब होता है गंभीर या सीरियस। डीपन या गंभीर, जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरे सामने यह एक सीरियस प्रॉब्लम है तो एक डीपन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है क्राइसिस। क्राइसिस सिंपल वर्ड है जिसका मतलब होता है संकट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एमिड। एमिड का मतलब होता है के बीच। एमिड मीन्स के बीच, लाइक मैं बोलूँ माई, मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच। एमिड बिटवीन माई, मी एंड माई फ्रेंड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्वे। स्वे का मतलब होता है प्रभाव या इफेक्ट। स्वे मीन्स प्रभाव या इफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अनरेम्यूनरेटेड। अनरेम्यूनरेटेड का मतलब होता है अलाभकारी। या एक आपने वर्ड सुना होगा रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है लाभ या किसी को कोई फ़ायदा होना किसी चीज़ से। तो उसका अपोजिट वर्ड है अनरेम्यूनरेटेड। अनरिम्यूनरेटेड। अनरिम्यूनरेटेड का मतलब होता है अलाभकारी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है दबाना। पहले भी ये मैं इंक्लूड कर चुका हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बी सेट। बी सेट का मतलब होता है घेर लेना। बी सेट मतलब चारों तरफ से घेर लेना। लाइक मैं बोलूँ नरेंद्र मोदी चारों तरफ से संकट से घिरे पड़े हैं। तो नरेंद्र मोदी चारों तरफ से संकट से घिरे पड़े हैं तो घेर लेने का मतलब क्या हो गया, बी सेट होना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रेन इन। रेन इन हमारा फ्रेज की तरह यूज़ होता है या मैं बोलूँ फ्रेजर वर्ब है जिसका मतलब होता है रोकना या टू प्रिवेंट। रेन इन मतलब रोकना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है प्रोत्साहन या प्रोत्साहित करना। दोस्तों, वो दो वर्ड होता है, एक होता है स्टिमुलस एक होता है स्टिमुली। STIMULI स्टिमुली सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, और स्टिमुलस प्लूरल वर्ड है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रोत्साहन। तो चलिए अब इसकी ट्रिक के बारे में मूव करते हैं। ट्रिक इसके सामने हमारे सामने है, हमारे पास दिया हुआ यह है डीपन विषय है। यह है गंभीर विषय है कि हमारी इकोनॉमी क्राइसिस में है, हमारी इकोनॉमी संकट में है, हमारी इकोनॉमी संकट से बी सेट है, संकट से घिरी हुई है। इस क्राइसिस के, इस संकट के स्वे को कम करने के लिए, प्रभाव को कम करने के लिए हमें नई सरकार को स्टिमुलस करना चाहिए, हमें नई सरकार को प्रोत्साहन करना चाहिए या एनकरेज करना चाहिए। स्टिमुलस का एक सिनोनिम होता है एनकरेज करना चाहिए। तो ये थी आज की वोकैबुलरी। तो चलिए अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, दो वर्ड दूंगा, आप जैसे डेली पहले करते थे उसका रिप्लाई करना आपको कमेंट बॉक्स में, ताकि आपकी भी वोकैब याद होती रहिए होती रहेगी। फर्स्ट वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ डिसेंट। DISSENT डिसेंट इज़ द फर्स्ट वर्ड एंड द सेकेंड वर्ड इज़ सेकेंड वर्ड जो मैं आपको दे रहा हूँ वो है ओनस। ओनस तो मैंने बता दिया, एक दूसरा वर्ड दे तो सेकेंड वर्ड ताकि कुछ अलग सा वर्ड हो। दूसरा है लैग्ड। LAGGED लैग्ड, दो वर्ड दे रहा हूँ जिसका मतलब आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये आपका होमवर्क है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।